2017 में हमारी 4 मार्च को शादी हुई थी इनके साथ में। उसके बाद में ये हमारे साथ रहे नहीं बिल्कुल। 3 साल हो गए हमारे केस को चलते चलते, ये 14 साल है। और ये हमारे ऊपर हम इनको मेंटेनेंस का दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, हम दिल्ली से आके तारीख करते हैं, हम नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, बहुत दुखी हैं। तो तुम्हारी पत्नी इसने छुड़ा ली है इस आदमी ने? हाँ बिल्कुल जी, हम क्या कहेंगे, क्या इन्होंने छुड़ा ली है, छीन ली है और ये शादी कर ली है, इन्होंने दूसरी शादी कर ली है। हम इनको भरण पोषण दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, ऊपर से ये लोग हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि आप 2 लाख रुपए हमें दो और दहेज का सामान सारा पहले दो, उसके बाद में हम राजीनामा करेंगे। तो तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारी पत्नी इनके साथ चली गई? ये अपनी मर्जी से हमारा घर छोड़ के आए थे, हम तो इनको दिल्ली में भी रखा था 6 महीने, ये अपनी मर्जी से घर छोड़ के आए थे, हमने इनसे ना ही हमारा कुछ हुआ है। जब इन्होंने पे आरोप लगाया, आप मैडम के पास आए तो अपनी पत्नी की गुहार लगाने आए हो कि मेरी पत्नी दिलवा दे? हाँ, यही कहना है, हमारी पत्नी हमें वापस चाहिए। किसके पास आए हो? हम मैडम के थापा जी के पास में आए, पूनम थापा जी के पास में। क्या नाम आपका? मेरा धर्मेंद्र जाटव है सर। हुई थी क्या नाम इनका पहले पति का आपका? धर्मेंद्र। तो इनको छोड़ दिया आपने? हमने नहीं छोड़ा, इन्होंने खुद छोड़ा है मुझे। 3 साल में फालतू में नहीं बैठी रहेगा, मुझे शौक था मुझे घर पे रहने का। नहीं तो तलाक आपकी हुई नहीं, आपने शादी कर ली? तलाक हुई नहीं, मैं तलाक से आवेदन देने जा रही थी, इन्होंने बोला मुझे तलाक जब देंगे हम आ जाएंगे वहाँ पे, फिर आमो सामो तलाक देंगे, हमने कहा आ जाना आप। और इन फोन लगाया तो फोन नहीं लगा इनका, ना ही कोई कॉल डिटेल, ना कुछ कुछ भी नहीं हुआ। तो आप बराबर पैसे लेती रही इनसे? पैसे मैंने 1 रुपया नहीं लिया। और शादी कर ली? शादी मैंने, अब जो मोहल्ला वाले कुछ बोलेंगे तो क्या करेंगे, हम मर जाएं क्या? हाँ तो इनके साथ रह रही हो आप? क्या नाम दूसरे पति का आपके? हमारे पति का नाम राज सिंह। तो जो पति नहीं रहे अब आपके? जब हमने शादी कर ली कोर्ट से तो वो कौन है? इन्हें नहीं जानती? नहीं अब नहीं जानते हम। क्या नाम है आपका? राखे। जेल जाएंगे हम? चाचा जी हमें मारने की धमकी दे रहे थे। कौन दे रहा था? आपके चाचा जी, जब यहाँ से भीड़ इकट्ठी होके बाहर गई थी तब। जी कह रहे साहब क्या हमें जी पसंद नहीं है, जी पसंद नहीं है अब। पहले तो पसंद लेंगे अनऑप्शन आपको। हाँ चलो बताओ। अब हम क्या बोले, जब जी इतना झूठ बोल रहे हैं तो अब क्या कह सकते हैं? हाँ ये नहीं, 3 साल आप इनके साथ चलेगी ना? इनके साथ चलेगी जब ये लेने नहीं आए, पहली बात तो ये 3 साल हो गए ये लेने नहीं आए मुझे, और झूठा आरोप लगा रहे मेरे का 6 महीने के दिल्ली रखा है, दिल्ली रखकर 6 महीने का, 3 महीने तो मैं बीमार रहती, 1 महीने से ये बताओ आपने इनकी पत्नी अपने पास रख ली है? अरे हम तो राखी के अनुमति के अनुसार शादी की ना हमने तो सर। तो इनका कहना कि आपने इनकी पत्नी रखी? इनको हमको तो जानते ही नहीं, हमको क्या मालूम, हम तो राखी के पास गए थे, इनके मम्मी पापा बोले हमारी लड़की से शादी कर लो, हमने कर ली और राखी से मर्जी से शादी हुई। पहले मंदिर से फिर आपने पत्नी इनकी छुड़ा ली है? ले हमने, हम क्यों छुड़ाए, कोर्ट से शादी की हमने, हमारी तो कोर्ट से शादी हुई, पहले घर से हुई थी। फिर अभी इनकी पत्नी आपके साथ रह रही है ना? हमें अब पसंद नहीं, नहीं है पत्नी, मैं तो राखी को जानता हूँ, हमें पसंद नहीं है वो। तो किसके साथ रह रही है पत्नी, इनकी पत्नी? इसको बंद कर दो।